Hare Krishna. So let's begin our journey with the Pyar Ki Kashti number 2. Okay. So ye dusra video hai Pyar Ki Kashti mein, and I hope that it will resonate with lots of people. Theek hai? So as I told you earlier, jaise maine pehle kaha tha ki aap khud chuniye ki kya hai aapke liye, you know, jaise ki hum dil ki baatein karte hain to hum teen objects lete hain aur unki reading karte hain. Similarly aaj yahan pe dikh raha hai ki aapko teen objects hain. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. तो आप उसमें से जो भी कार्ड्स आप से रेजोनेट हो वो ले लीजिए. ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करेंगे एंड समहाउ विल टेक अ लुक एट द साइंस एज वेल. ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए हम साइंस देखेंगे. ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शफलिंग द डेक. इन दोनों को रखते हैं साइड में. ओके, दो टैरो हैं एंड एक ओरेकल है. ठीक है, तो चलो चार बार शफल करते हैं एंड छह कार्ड निकालते हैं. ठीक है, देखते हैं प्यार की कश्ती में इस बार आपके लिए क्या आ रहा है. वाओ, ओके, कितनी कार्ड आ गए? तीन कार्ड आ गए, चार हो गए. ठीक है, ये आ गया पांचवा कार्ड एंड ये छठा कार्ड. ठीक है, तो चलो छह कार्ड आ चुके हैं एंड लेट मी प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर. चलो, तो मैंने कार्ड्स प्लेस किए हैं यहाँ पे. वाओ, द डेविल आ चुका है यहाँ पे. ठीक है, तो एंड द मून, क्या कॉम्बिनेशन, द एम्परर. वाओ, तीन, ये देखो एक त्रिकोण बन चुका है, यू नो, द डेविल, एम्परर एंड द मून. एंड यहाँ पे है सोर्ड, सोर्ड एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स. ओके, तो कहीं ना कहीं रेगुलरिटी हमें रीडिंग में दिखने को मिल रही है. बहुत ही बेहतरीन कार्ड यहाँ पे आ चुका है, लेकिन फिर भी लगता है कि यू नो द डेविल के लिए कुछ क्लेरिफिकेशन लेते हैं एंड द मून के लिए. ठीक है, तो डेविल के लिए दो कार्ड निकालते हैं. चलो, डेविल के लिए पहला कार्ड, डेविल के लिए दूसरा कार्ड. ओके, ये कार्ड यहाँ पे रखता हूँ मैं एंड द मून के लिए भी दो कार्ड लेते हैं, ये पहला एंड ये दूसरा. ठीक है, दो दो कार्ड्स हमने लिए हैं. अब देखते हैं फाइनली कि रीडिंग कैसे आती है. चलो, पहले मैं कार्ड यहाँ पे रखता हूँ. ओके, सो दैट जब भी हम रीडिंग करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, तो चलो, प्यार की कश्ती में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना, समथिंग यूनिक. जस्ट मिनट, तो यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स हैं, क्या देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है जो कि है टेन ऑफ सोर्ड्स. ओके, आई होप यू कुड सी दैट. टेन ऑफ सोर्ड्स में एक बहुत ही मीनिंग आ चुकी है. आई मीन, एक मीनिंगलेस रिश्ता जो कहीं ना कहीं किसी का बन चुका था. ठीक है, कई बार होता है ऐसा कि यू नो हम ट्रैवलिंग करते हैं, करते रहते हैं, फिर हमें लगता है कि भाई इसमें कोई मज़ा नहीं है. यू नो, यू फील दैट, जैसे कि कुछ जॉब करते हुए आपको बोर हो जाता है कि भाई कितनी बार मैं यही करूँगा, यहाँ से बाहर जाऊँगा, बस हो गया. यू नो, इट्स अ क्विटिंग टाइम. तो आप में से किसी को शायद क्विटिंग टाइम आया होगा कि चलो छोड़ देते हैं हम. यू नो, इट्स लाइक, देखो एक गाड़ी आप चला रहे हैं, कितनी देर तक चलाएंगे? यू नो, मेंटेनेंस बहुत है, ये बहुत है, फाइनली आप उसे बदलते हैं. यू नो, सो इट्स द काइंड ऑफ सेम थिंग, जैसे सांप अपनी यू नो क्या उसे कहते हैं, स्नेक चेंजेस इट्स ओन बॉडी. सो सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन ऑफ सॉर्ड है, कहीं ना कहीं पे चेंजेस आ रहे हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं. हालांकि ये रीडिंग का बस एक ही पार्ट है. सेकंड पार्ट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो द एम्परर. नाउ यू वांट टू बी लाइक एन एम्परर. ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी को खुद चलाना है. यू नो, यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ. यू नो, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो हमारी ज़िंदगी चलाते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आपको ज़िंदगी में यू नो बहुत सारे काम कर, लेकिन आप कर नहीं पाते बिकॉज आपका जो जॉब है वो आपको सुविधा देता नहीं है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सुबह 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक जॉब है, बैंक में जा नहीं सकते, संडे को छुट्टी मिलती है, बैंक तो कभी मिलती नहीं. ठीक है, एंड अगर आप देखते हैं तो भाई बाकी के सारे काम करने होते हैं, बिजली का बिल भरना, फिर कुछ और फंक्शन में जाना, कभी भी आपको छुट्टी नहीं मिलती. सो व्हाट यू फील इज दैट आई एम बीइंग स्टक. तो कहीं ना कहीं पे द एम्परर कार्ड बता रहा है कि आई वांट टू चेंज माय लाइफ. ओके, वही पे टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है. इट्स काइंड ऑफ अ क्लेरिफिकेशन कि जिंदगी को आप बहुत ही मस्त होके जी सकते हैं. यू नो, शायद ऐसा पल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है. इट्स लाइक आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं, यू नो, घर में हैं या फिर कहीं और हैं, एंड मे बी यू आर एंजॉइंग योर लाइफ. ठीक है, यू आर फीलिंग यू आर सेक्सी, यू आर कूल, वट एवर. तो एक अच्छा ड्रेस पहन रहा है. इफ़ यू आर मैरिड, यू आर एंजॉइंग विथ योर वाइफ, योर हस्बैंड, या फिर यू आर सिंगल एंड यू आर जस्ट यू डूइंग टोस्ट टू योर सेल्फ एंड बस यू नो ड्रिंक पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर यू नो जो भी है, एंड यू आर लुकिंग एट योर फेवरेट म्यूजिक वीडियो, फेवरेट फिल्म, एंड आप उसे एंजॉय कर रहे हैं.
वहीं पे यहाँ पे एक कार्ड आता है जो कि है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन हम इसे बाद में देखेंगे। अब देखते हैं क्लेरिफिकेशन क्या आता है डेविल के लिए। ठीक है, डेविल के लिए क्लेरिफिकेशन आ चुका है जो कि है द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डेविल कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर मीनिंग यहाँ पे आ रहा है। डार्कर मीनिंग इसलिए है क्योंकि द हर्मिट है यहाँ पे, लेकिन हर्मिट आपको क्या बता रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यू नो, देखो कहीं ना कहीं ये ऐसा आ रहा है कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में था जिसने आपका यूज़ किया, यू नो, कि आपको शायद प्यार का झांसा दिया, फिर यू नो कि आपसे बस कहा कि आई एम इन लव विद यू, लेकिन अब वो आपसे प्यार नहीं करता एंड सेइंग दैट आई एम गोना मैरी समवेयर सूनर। तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हर्मिट आपको मिल रहा है, जो भी व्यक्ति है जो ये रोल प्ले कर रहा है लाइक द हर्मिट, या फिर जो आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, वहाँ से जो मैसेज मिल रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यू नो, कि आप रिबेलियस नेचर अपनाओ। अगर आप बहुत ही दिल के अच्छे हों तो दिल तो टूटने वाला ही है, यू नो। इमेजिन कि बहुत भीड़ वाला रास्ता है और आप अपना कांच का दिल लेके चल पड़े हैं, किसी का धक्का लगा और दिल टूट गया, एंड वो कह रहा है क्या यार दिखता नहीं क्या कि कितने बिजी लोग हैं, यू नो। तो ऐसे में आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनना पड़ेगा, यू नो, कि जो कोल्ड हार्टेड है, यू नो, अगर कोई उसको तकलीफ देता है तो आपको भी उसको तकलीफ देनी होगी। कहीं ना कहीं ये मीनिंग यहाँ पे आ रही है, इसलिए ना कि डार्कर कार्ड है जो कि है द डेविल, यू नो। डेविलिश कार्ड यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इट्स लाइक कंट्रोलिंग समवन, यू नो। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी किसी का इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, हालांकि उतने लेवल तक नहीं, लेकिन किसी न किसी हद तक तो यू नो उनका फ़ायदा ले रहे हो। लाइक आपको कहीं पे स्टेप ऑन होना है, यू नो, आपको कोई पोजीशन लेनी है, या फिर यू नो आपको एक अच्छे कंपनी में जॉब ढूंढना है। सो यू आर फ्लर्टिंग विद समबडी जो आपको ये चांस दिला सकता है, यू नो, क्योंकि पहले ही आप दिल जले बन चुके हैं, यू नो। सो कहीं ना कहीं ऐसा मीनिंग तो आ रहा है, द हर्मिट इज़ हियर, एंड शायद आपको कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा गुरु आपने बनाया है जो आपको गाइडेंस कर रहा है लाइक बींग द क्वीन ऑफ सोर्स, कि आपको ऐसे बनना पड़ेगा। सो द डेविल कार्ड आपको बस यही बता रहा है कि जैसी दुनिया है वैसे बनो, यू नो, दुनिया से छोड़ के ना बनो, है ना। सो जैसे कि राज कपूर साहब के जो फिल्में थे वो बहुत ही यू नो शर्मीले किस्म के दिखाई देते थे एंड लाइक, लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है, यू नो। अगर आप बस कुछ गहने पहन के जाओ तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सब चीज़ें आपके यू नो गले से आपके हाथ से साफ हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये है ट्रू लाइफ। तो कहीं ना कहीं अगर कोई आपका दिल तोड़ रहा है, आप भी उसका दिल तोड़ो, कहीं ना कहीं मैसेज यहाँ पे आ रहा है। वही है द मून। तो मून के लिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। यस, वी हैव नाइन ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स। ठीक है, मून को आपको यहाँ पे जो मैसेजेस आ चुके हैं वो है नाइन ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब है आपको फोकस करना पड़ेगा आपके अचीवमेंट के ऊपर। ठीक है, आपने अब तक जो पढ़ाई की या फिर जो भी आपने ज़िंदगी में पाया है, यू नो, एंड जहाँ तक आप पहुँचे हैं इट्स बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, यू नो, आपने बहुत मेहनत की है एंड आप आगे बढ़ चुके हैं, आपने एक अचीवमेंट किया है। ओके, आप चाहे कितना भी कमाते हो, ये आपकी खुद की खुद की कमाई है। दैट इज़ समथिंग वेरी प्राउड, यू नो, कि आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर आपका खुद का छोटा सा दुकान, लेकिन ये आपका है, किसी और का नहीं है। आज भी आपको ये लोग देखते होंगे कि यू नो बस यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उनसे तो आप काफ़ी बेहतर है। वहीं पर ये कार्ड टेन ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं पर ये एस्टैब्लिशमेंट आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए या फिर आ रहा है। ठीक है, टेन ऑफ कप्स है यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाए। ओके, तो आई थिंक एक चैनल है गुरुकुल करके, गुरुकुल एजुकेशन है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन यू नो वहाँ पे दो लोग काम करते हैं एंड बोथ आर यू नो स्नेक सर्वाइवर्स, यू नो वो स्नेक्स को बचाते हैं। ठीक है, तो एक हस्बैंड है एंड उसकी वाइफ है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि यू नो वाइफ जो घर में रहती है वो अलग है, बाहर जब जाती है तो पल्सर चलाती है एंड शी वेयर जीन्स, आपको लगेगा नहीं कि यही वो लड़की है, यू नो, उसमें इतने सारे बदलाव हैं एंड शी डज सच काइंड ऑफ क्रेजी वर्क, सांप को पकड़ना कितना डेंजरस होता है। तो उसके उसको क्या मिला है, नाइन ऑफ कॉइन्स है कि वो जहाँ पे है वो खुश है, एंड वहीं पे टेन ऑफ कप्स हैं कि उसको अपनी फैमिली मिली है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे सहमत होना पड़ेगा। द मून मतलब क्या है, कहीं ना कहीं थोड़े से आई थिंक चेंजेस आपके सोच में आ रहे हैं कि क्या सच में मुझे वो मिल रहा है जो मैं डिज़र्व कर रहा हूँ या डिज़र्व कर रही हूँ। यू नो शायद कोई आपको तकलीफ दे रहा होगा या फिर यू नो कि आपने ज़िंदगी को उस वजह से देखा नहीं है। यू नो देखो हमारे पास क्या होता है ना, इसकी उपलब्धि कभी हम समझ नहीं पाते, है ना। जैसे कि आप सोचते क्या यार मैं यहाँ पर नहीं जा सकता, मेरी गाड़ी सिर्फ यू नो छोटी है या फिर बहुत पुरानी है, लेकिन उनके पास देखो इनके पास गाड़ी नहीं है। आज भी लोग ट्रेन या फिर बसेस से ट्रैवल करते हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है,
किसी के पास पैर नहीं हाथ नहीं, उससे तो आप कितने अच्छे हैं यू नो। एंड लाइकवाइज व्हाट इज़ दिस वन यू नो, किसी लगता है भाई मेरा दिल टूट गया, ठीक है दिल टूट गया, लुक एट दिस पर्सन, लुक एट दिस वन, कि जिसका यू नो हस्बैंड ने उसका संसार 13-14 साल के बाद तोड़ा होगा, तो उसका क्या हुआ होगा, आपने बस शुरुआत की थी, उसका तो संसार हो चुका था। सो यू नो तो आप रेजोनेट कर पाओगे। वही पर यहाँ पर जो आ गए वो इस प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स, कहीं ना कहीं आपको एक खतरनाक इंसान बनने की तरफ ही लीड कर रहा है। खतरनाक मतलब ये नहीं कि देखो इट्स लाइक प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट यहाँ पे क्यों है, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे क्रिस्टल है, ठीक है, एंड समवेयर ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे अगर उसे इसको तोड़ के आगे बढ़ना है तो उसे तलवार ही चाहिए, इसे कप्स कोई काम नहीं आएगा, यू नो कप फेंक के मारा तो कुछ होगा नहीं। सो शी इज़ लाइक यूजिंग द सॉर्ड, है ना। तो ऐसे ही है, अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो उस दिल को जोड़ो, ठीक है, एंड आप फिर एक सही राह की तरफ निकल सकते हो। ओके सो लेट्स लुक एट द सेकंड रिलेशनशिप ओरेकल में क्या आता है, देखते हैं चलो। लेकिन पहले देखते हैं कि कौन से साइंस इसको रेजोनेट करते हैं, ठीक है। तो चलो 1, 2, 3 एंड 4, चलो चार साइन लिए हमने, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कन्या यानी कि वर्गो, तुला यानी कि लिब्रा, एंड वृषभ यानी कि टॉरस। ये साइन इस पहले रीडिंग को शायद रेजोनेट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल में क्या मीनिंग निकल के आती है। चार बार शफल करते हैं एंड 6 कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है, सो दैट वी विल हैव अ काइंड ऑफ वंडरफुल रीडिंग। चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, चलो 6 कार्ड आ गए। अब देखते हैं कि क्या मीनिंग निकल के आती है, ठीक है। सो आई एम प्लेसिंग द कार्ड्स ओवर हियर। लव इज दैट होल्डिंग यू, फाइनेंशियल वर्ल्ड, ओके, अगेन पेंटाकल्स आ गए यहाँ पे, ट्रबल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, एंड स्टेप डाउन, एंड यहाँ पे क्या आ चुका है, लेट्स डू सम शॉपिंग एंड रीचिंग डेस्टिनेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्ड्स आ चुके हैं। तो देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो जहाँ तक हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल वर्ल्ड, आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यू नो कई बार हम बस रूठ जाते हैं, फिर कहीं पे थक के बैठ जाते हैं, यू नो मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है, जंगल है या फिर माउंटेन है, एंड आप बीच में ही रुके हैं, क्या आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे एक यू नो थोड़ा सा मतलब क्या उसे कहते हैं, छोटी सी पहाड़ी है, तो उसके ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन यू नो चढ़न बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं तो चढ़ते चढ़ते बहुत बार रुका, तो मैंने एक दो जो लोगों से पूछा, तो यू नो वो बिस्लरी जो बॉटल होते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं, क्योंकि लोग आते हैं तो उनको यू नो प्यास लगती है तो वो वहाँ पे लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक सिंपल सा रास्ता है, बस भगवान का नाम लेने का और बिना रुके आगे बढ़ने का, बिल्कुल रुकने का नहीं जब तक कि आप वहाँ पे पहुँच नहीं जाते। सो ये एक उपाय है, कहीं ना कहीं भाई आपको अगर कहीं ना किसी ने हर्ट किया है या फिर यू नो आपका दिल नहीं लग रहा है, फाइनेंशियल में घुस जाओ, मेरी पोजीशन क्या है, मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैं कितना पैसा बचा सकता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट वन। आप अपना कोई चैनल भी ओपन कर सकते हैं, यू विल हैव मनी इन योर हैंड्स एज वेल, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, देखो कई बार ना हम बस स्टेप अप करने के बारे में सोचते हैं, आपने वहीं पर देखी हुई स्टेप अप, ठीक है। स्टेप डाउन का मतलब पहले तो मुझे लगा था ईगो है, लेकिन अभी कुछ और मतलब निकल रहा है। वो कैसा मतलब है कि यू नो कई बार हम जो टूटा दिल होता है ना उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, यू नो आपने कई बार देखा होगा कि फेविक्विक का एडवर्टाइजमेंट तो आपने दिखाई होगा या फिर फेविकॉल, यू नो टूटे हुए को जोड़े वगैरह। तो आपके घर में यू नो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टूट जाती हैं, यू नो कि जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, ठीक है, तो आप उसे क्या करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये लगाएं, कई बार जुड़ नहीं पाते। स्टेप डाउन का मतलब है बस हो गया, यू नो उसको जोड़ने की कोशिश मत करो। जैसे कोई एक बोट है उसमें होल आ गया है, ठीक है, एक बार आपने भरा, दो बार भरा, बहुत सारे होल हो गए, तो बस इसको भरना बंद करो। नाउ इट्स अ टाइम टू चेंज, या तो आप बोर्ड चेंज करो या तो समुंदर में जाना बदलो, यू नो दोनों में से कोई एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। वहीं पर देखो ये कार्ड आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि है लव इज़ दैट होल्डिंग यू, यू नो देखो प्यार जहाँ पे होता है ना वहाँ पे एक सच्ची बात होती है, आप वहाँ पे जाती है, यू नो मतलब आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि भाई जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है एंड जो स्मोक करता है, मुझे उसके साथ नहीं बैठना, मुझे उससे प्यार नहीं करना। लेकिन अगर आप किसी के प्यार में पड़ते हैं, फिर आपको पता लगता है कि भाई वो स्मोकर भी है, ड्रिंकर भी है, जुआरी भी है, फिर भी आपका प्यार जो होता है वो आपको उससे अलग नहीं करता।
आप उससे अलग नहीं हो सकते। आपने कई बार ऐसे रिलेशनशिप देखे होंगे कि यू नो वो पी के कहीं पे पड़ा है ना, आप जाते हो उसको उठाने के लिए, एस दिस हैपन्स। लेकिन वहीं पे अगर आप उसको पूछोगे कि भाई तुम मुझसे प्यार करता है तो तुम मुझे चेंज क्यों नहीं करता खुद को, नहीं मैं चेंज नहीं करता, दैट मीन्स दिस पर्सन डजन लव यू, क्लियर बात है। ओके तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एक लड़की ने अपने अंकल जिसने उसको बचपन से पाला पोसा, उसको टोबैको खाने की आदत थी, तो उसने बस एक बार अपनी शपथ दी और कहा कि आज से तुम टोबैको नहीं चबाओगे, तब से उसने छोड़ दी। यस, एंड उसे खुद के पेरेंट्स ने इतनी बार प्रॉमिस किया फिर भी वो खा रहे हैं, व्हाट इज़ दैट, यू नो। तो कहीं ना कहीं पे ये है कि प्यार नहीं है फिर, यू नो, प्यार का मतलब त्याग होता है ना, तभी हम उसे प्यार करते हैं। माँ बच्चे से प्यार करती है, हम कैसे प्रूव करते हैं, वो सब कुछ छोड़ देती है अपने प्यार के लिए, अपने बेटे के लिए, यू नो। मान लीजिए उसकी बहन की वेडिंग है, सगाई है, लेकिन उसका बच्चा बीमार है, वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसको प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो ध्यान में रखो। वहीं पे देखो यहाँ पे कुछ कांड है जो कि ट्रबल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है शायद वो ट्रबल में है, यू नो। तो हो सकता है कि शायद कुछ बातें सही नहीं हो रही है, कुछ अनबन है, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रही है छोड़ दो, यू नो। जब उसको लगेगा कि भाई मेरी गलती है, फिर यू नो मुझे इसको माफ़ करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, वो खुद आएगा, नहीं आएगा या तो नहीं आएगा, यू नो। जैसे कि बारिश नहीं होने वाला तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, आप उस वेट कर सकते हो, फिर मूव ऑन हो जाओ, किसी और जगह जाओ जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे रहो, फिर जब बारिश होगी वापस से आ जाओ, यू नो। तो दैट इज़ वेरी क्रिएटिव, दैट इज़ वेरी यूनिक एंड दैट इज़ समथिंग कूल, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो कि लेट्स डू सम शॉपिंग। सो अगर आपको कहीं कुछ करने में समझ में नहीं आ रहा, सो जस्ट हैंग आउट समवेयर, यू नो, लेट्स डू सम शॉपिंग, कुछ काम कीजिए, कुछ हॉबी कीजिए अपनी। एंड नेक्स्ट कार्ड डिस्ट डेस्टिनेशन, तो कहीं ना कहीं आपका जो डेस्टिनेशन है वो है हैप्पीनेस, एंड लोग यही डेस्टिनेशन भूल जाते हैं, ठीक है। देखो प्यार करना, शादी करना, वो एक एहसास है, लेकिन आप हर यू नो एक एहसास के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकते, यू नो। जैसे किसी ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम दिल को नहीं धड़काओगे, तुम पल के नहीं चपकाओगे, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज ये होगा ही, दिल धड़केगा एंड पलके झपकेगी ही, वरना आप जिंदा कैसे रहोगे, है ना। एंड लाइवलीनेस इज समथिंग, तो रीचिंग डेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं कि आपको वो मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, एंड प्यार हर जगह से मिलता है, लुकिंग एट योर फैमिली, लुकिंग एट योर पीपल, लुकिंग एट योर फ्रेंड्स, जो आपसे प्यार करते हैं वही है सच्चा खजाना, ठीक है। अब देखें सेकेंड डेक के लिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है, जो हमने सेकेंड डेक चुना है उसके लिए, चलो ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ वन, ठीक है, चलो देखते हैं क्या मिनी निकल के आई है। मिथुन यानी कि जेमिनी, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, धनु सैजिटेरियस एंड मीन यानी कि पाइसेस, ठीक है। थर्ड टैरो देखते हैं इससे क्या रीडिंग निकलती है, चलो चार बार शफल करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 1 2 ठीक है, 3 ओके, 4 ओके, 5 एंड एक फाइनल कार्ड 6, ठीक है, चलो 6 कार्ड आ गए। अब देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। ओके, 5 ऑफ वांड्स एंड दिस इज द हैंगिंग मैन, नाइट ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस एंड वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। यस, बहुत ही अच्छा कार्ड आ चुका है ये, चलो देखते हैं। 4 ऑफ कॉइंस के लिए मेरे हिसाब से हमें यू नो कुछ क्लेरिफिकेशन मंगवाना पड़ेगा, तो 2 क्लेरिफिकेशन मंगवाते हैं फॉर 4 ऑफ कॉइंस, चलो 1 और 2, ठीक है, आ चुका है, चलो तो बाद में देखेंगे ये कार्ड, ठीक है। 8 ऑफ कप्स है, यू नो व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, यू नो, तो आप भी उससे दूर चले जाओ, दैट इज़ अ वेरी गुड मीनिंग, ओके, है ना। तो दैट इज़ वेरी गुड मीनिंग, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हुआ है किसी को, तो आप भी मीठा खाना छोड़ दो, डायबिटीज़ खुद आपसे दूर भागा जाएगा। आप लोग क्या गलती करते हैं, डायबिटीज़ हुआ है, अरे यार मैं खा नहीं सकता मीठा, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा मीठा खाता हूँ, वहाँ पे जाते हैं डायबिटीज़ आपको फिर तड़पाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आप उसके पीछे भागते, बिल्कुल नहीं, उसको इग्नोर कीजिए। फिर देखो डायबिटीज़ खुद ब खुद आएगा, कहेगा भाई सॉरी अब बस हो गया,
मुझे माफ़ कर दो एंड मैं आपसे आगे से आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा, आपको छोड़ के चला जाएगा डायबिटीज़, यू नो, फिर आपकी जो नॉर्मल लाइफ है लाइफ वापस आ जाएगी समवेयर, यू नो। अगर कोई आपको व्यक्ति तड़पा रहा है, जस्ट सेम थिंग, डू द सेम थिंग, यू नो। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं पैशन यहाँ पे है, लेकिन छुपी हुई पैशन है, यू नो, एंड दैट इज़ समथिंग इज़ क्रेजी अबाउट, यू नो। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये कोई जो व्यक्ति आपके साथ डबल गेम खेल सकता है या फिर खेल रहा है, यू नो, एंड ये कहीं ना कहीं आपको एहसास हो चुका था, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। एंड मुझे लग रहा है कि आप में बहुत सारी पैशन है, ऊर्जा है, एंड ये जो करंट व्यक्ति है आपका जिसने आपको ट्रबल किया है, वो ये सब हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वन, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग कार चलाते हैं, लेकिन यू नो असली बात कब होती है, जब आप कोई बड़ा ट्रक या बड़ी बस चलाते हैं, यू नो, रास्ते से उसको निकालना, टर्न्स के यहाँ से घुमाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कार तो कोई भी चला लेगा, कितने लोग हैं जो माहिर ट्रक ड्राइवर हैं, यू नो। सो ये है, आप में वो काबिलियत है, तो ऐसा इंसान आपको जेन्युइनली मिलना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपको समझे, है ना। जैसे कि डांस चालू है, यू नो, शादी का मौसम है, लोग गाने पे डांस कर रहे, वो डांस नहीं है, डीजे आ रहा है, ज़ोर से गाने बजा रहा है, तब आप डांस कर रहे, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक, है ना। यहाँ पे तो हैंगिंग मैन, कहीं ना कहीं आपने जो अपना रिश्ता है वो झूलते हुए रखा है, झूलता मनोरा, यू नो, कि आपने झूलता हुआ रखा है, आप वहाँ से निकल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यू नो। आपको फिर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा पैचअप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है जो कि है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं किसी का ब्रेकअप हो सकता है, यू नो, ऐसा लग तो रहा है मुझे। सो लेट्स लुक एट दैट वन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है पेज ऑफ कॉइन्स, ओके, पेज ऑफ कॉइन्स दिख रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एहसास आ रहा है कि आपको, यू नो, इस व्यक्ति को बस गुड बाय कहकर थोड़ी देर के लिए सही आगे बढ़ना होगा, यू नो। अगर आप शांति से आगे बढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। अब देखते हैं फोर ऑफ कॉइन्स के लिए यहाँ पे क्या रीडिंग निकल के आती है। फोर ऑफ कॉइन्स के लिए जो रीडिंग निकल के आ रही है वो है फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे डिसेप्शन है एंड आपको ये बनना पड़ेगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये डिसेप्शन बना रहा है आपके खिलाफ, यू नो। सो आपको भी रिजर्व रहना होगा, दिस इज़ यू, आई थिंक सो, आपको रिजर्व बनना पड़ेगा। आप रिजर्व नहीं बन रहे हैं, यू नो, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको पता है कि आपको डिसीव ही करेगा तो उससे क्यों बात करनी, क्यों उसके पास जाना, यू नो। अगर वो कल जाके आपको तकलीफ भी देने वाला है, सो से हिम गुड बाय राइट नाउ, यू नो, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। अब देखते हैं इसके लिए क्या आते हैं राशियाँ, ठीक है। वन टू थ्री फोर, एंड राशियाँ आ चुकी हैं मिथुन यानी कि जेमिनी, मीन यानी कि पाइसिस, तुला यानी कि लीब्रा, एंड मेष यानी कि एरीज, ठीक है। ये था रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट, थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मीन टैरो।